पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को कैसे डिलीट करें, हाउ टू डिलीट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री ऑन फोन पे। आप बेसिक सी बात है फ्रेंड, आपके पास में जो आपके फ़ोन पे की ट्रांजेक्शन, आप लोग किसी को भी फ्रेंड पेमेंट करते हो, लेन देन करते हो, और ऐसी स्थिति में आप लोग भी चाहते हो कोई भी गाइस यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है उसको गाइस यहाँ से डिलीट करना, उसको हटाना। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, इस वीडियो को कंप्लीट फुल वॉच करना है, स्टेप बाय स्टेप ट्रिक को अप्लाई करना है, जिसके बाद में फ्रेंड आपके फ़ोन पे की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है वो आपकी डिलीट हो जाएगी। एंड आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आना है अपने फ़ोन पे के होम स्क्रीन पे। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और स्टेप बाय स्टेप ट्रिक को फॉलो करना है। फ़ोन पे के गाइस यहाँ पे ऑफिशियली प्रोफाइल पे आने के बाद में आपको यहाँ पे एक आइकन टाइप में मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। आप कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है व्यू टिकट, उसके बाद में प्रोफाइल एंड पेमेंट, और वहीं पे ट्रांसफ़र मनी, रिचार्ज बिलिंग, रिफर अर्न अदर। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सेकंड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। सेकंड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद में पेमेंट मेथड आपको देखने को मिल जाएगा, एक पेमेंट मैनेजमेंट मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, और आपको गाइस यहाँ पे और भी काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। सिंपली क्या करना है, माय प्रोफाइल पे जाना है। माय प्रोफाइल पे जाने के बाद में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब फ्रेंड क्या करना है, पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शंस पे चले जाना है। पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शंस पे आने के बाद में अब यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू ऐड चेंज माय प्रोफाइल पिक्चर्स, हाउ टू रिमूव माय प्रोफाइल पिक्चर गाइस, यहाँ पे पेमेंट अकाउंट एंड उसके बाद में एड्रेस वेरीफाई। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से थोड़ा बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको यहाँ पे एक सेकेंड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है, फिर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजिंग और डिलीटिंग, ठीक है, तो आपको पेमेंट हिस्ट्री को डिलीट करना है, तो उसके लिए यहाँ से क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आई कैंट डिलीट ऑल माय पेमेंट डिटेल्स ऑन फोन पे। इनके कहने का मतलब यह है कि फ़ोन पे की पेमेंट डिटेल्स को चेंज करने के लिए मतलब कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो आपको यहाँ पे जाना है। जाने के बाद में आप साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे एक नोट दिया गया है जहाँ पे लिखा हुआ है योर पेमेंट डिटेल्स ऑन फोन पे आर हाइड लाइन सिक्योरिटी एंड नोट शेयरिंग विद एनी थर्ड पार्टी। तो इनके कहने का मतलब ये है जो आपकी पेमेंट हिस्ट्री है वो कहीं पे आप लोग शेयर नहीं कर सकते हो, एक सिक्योर है और गाइस थर्ड पार्टी के लिए अलाउ नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे ऑफिशियली साफ साफ बताया गया है आस्क फॉर RBI गाइडलाइंस, यूजर ऑफ अन पेमेंट मेथड एप्स कनेक्ट वी अलाउ टू डिलीट थर्ड पेमेंट डिटेल्स फ्रॉम द एप्स। तो इनके कहने का मतलब ये है कि आप लोग ये RBI गाइडलाइंस के मतलब रूल हैं कुछ, जहाँ पे बताया गया है कि आप लोग पेमेंट डिटेल्स है, पेमेंट हिस्ट्री है, आप लोग फ़ोन पे से डिलीट नहीं कर पाओगे। यस, फ़ोन पे से पेमेंट डिटेल डिलीट नहीं कर पाओगे। यदि आप लोग गूगल पे यूज़ करते हो तो उससे आपकी पेमेंट हिस्ट्री है इजीली डिलीट हो जाएगी, क्योंकि गूगल पे गूगल का एप्लीकेशन होने वाला है, तो वहाँ से गूगल पे से पेमेंट हिस्ट्री है वो डिलीट हो जाएगी। ओके, और ये गाइस यहाँ पे नोटिस दिया गया, और इसको अगर आपको पसंद आया हो तो यस लिखना है। वैसे हेल्पफुल है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे किसी की भी पेमेंट है गाइस, मतलब कोई भी दिक्कत आता है कभी भी, तो आप लोग उसी पेमेंट हिस्ट्री के थ्रू ही अपने पैसे को रिकवर कर सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो। हाँ, यदि आप लोग चाहते हो इस ऑप्शंस को अलाउ करना, इस ऑप्शंस को लाना, तो उसके लिए मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा। वो तरीका एक्चुअली में क्या है, आपको प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे जाने के बाद में नीचे के साइड में आना है, आपको यहाँ पे फ्रेंड एक ऑप्शंस मिलने वाला है जो कि हेल्प एंड सपोर्ट का, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग ऑप्शंस को ढूंढ लेते हैं। फ्रेंड आपको यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट, ठीक है, और यदि नहीं मिलता है तो आपको अच्छे से देखना है, आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, हेल्प एंड सपोर्ट से गाइस आपको ऑफिशियली गाइस यहाँ पे हेल्प लेना है, आपको सपोर्ट के थ्रू गाइस आपको हेल्प लेना है। उसमें आपको ये बोलना है कि मेरे को ये दिक्कत है और मेरे को गाइस यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री को डिलीट करने का फीचर से ऑप्शन से चाहिए। आप लोग यहाँ पे आना है। आने के बाद में आपसे दोस्तों को यहाँ पे कई ऑप्शंस मिल जाएंगे,
बट यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन, यहाँ से फ्रेंड फीडबैक नहीं जाता है तो पेमेंट इश्यूज, और यहाँ पे अदर, तो अदर वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। कनेक्ट योर बैंक एंड फोन पे स्विच और वगैरह वगैरह कहीं ऑप्शंस मिल जाएंगे। बट आपको क्या करना है, हेल्प का ऑप्शंस पहले तो मिलता था लेकिन आप लोग हेल्प का ऑप्शन सीधी यहाँ पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है, तो डायरेक्टली आपको प्ले स्टोर पे जाना है, फ़ोन पे एप्लीकेशंस को ढूंढना है। ओके, ये आपका फ़ोन पे एप्लीकेशंस रहा, आपको यहाँ पे मेल करना है ऑफिशियली फ़ोन पे सपोर्ट को मेल करना है। एक आपको जीमेल आईडी मिल जाएगी, सपोर्ट एंड फ़ोन पे आपको लिखना है प्लीज हेल्प मी, आपको लिखना है डियर टीम फोन पे पेमेंट हिस्ट्री डिलीट ऑप्शन ऑप्शन अनेबल। इतना लिखने के बाद में गाइस यहाँ पे गिव मी फीचर्स, तो इतना लिखने के बाद में इस रिक्वेस्ट को सेंड करना है। अब ये आपका मेल है, सेंड हो जाएगा ऑफिशियली फ्रेंड गाइस यहाँ पे फ़ोन पे टीम के पास में, फ़ोन पे कंपनी के पास में। उसके बाद में गाइस यहाँ पे यदि आता है फ़ोन पे डिलीट करने का फीचर्स तो आप लोग डिलीट कर पाओगे पेमेंट हिस्ट्री, यदि नहीं आता है तो आप लोग नहीं कर पाओगे। बाकी गूगल पे से बहुत ही आसान है जिससे कि आप लोग पेमेंट हिस्ट्री को ईजिली डिलीट कर पाओगे। ओके, सो दैट मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।